ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अभी हम पढ़ेंगे क्या प्रोलिफरेटिव स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। प्रोलिफरेटिव स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता क्या है, मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन मैं कर लेता हूँ। तो प्रोलिफरेटिव स्टेज जो है उसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपकी न्यू वास्कुलराइजेशन हो जाएगी। न्यू वास्कुलराइजेशन जो है वो हेमरेज को कस कर सकती है एंड देन ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट में आकर। ओके अब होता किस तरह है और न्यू वास्कुलराइजेशन कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो ये आपके रेटिना में होंगे, आपके आयरस में होंगे। आपका हेमरेज जो है वो प्री रेटिनल हेमरेज हो सकता है, आपका वेट्रस हेमरेज हो सकता है, एंड एट द एंड आपको ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है इन प्रोलिफरेटिव स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब आपने इसको अच्छी तरीके से जानना है, इसको अच्छी तरीके से समझना है। हमने पैथोजेनेसिस में क्या पढ़ा था, ये जो न्यूवास्कुलराइजेशन है ये किस वजह से हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ इस्कीमिया। इस्कीमिया क्या करता है, वो जो है आपकी ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज कर देता है। एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स जो होती है, न्यू सेल एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स जो होती है वो रिलीज हो जाती है, वो न्यू वास्कुलराइजेशन कॉज कर देती है। न्यू वास्कुलराइजेशन जो है वो रेटिना में आपके हो सकती है या आयरस की में हो सकती है, उसके बाद हेमरेज एंड ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट, जिस तरह मैंने बता दिया। अब हमने माइक्रो एंजियोपैथी में क्या कहा था कि हमारे पास हो सकते हैं माइक्रो वास्कुलर लीकेज एंड माइक्रो वास्कुलर अक्लूजन। ये मैंने पिछले वीडियोज में आप लोगों को बताए थे। तो यहाँ पर माइक्रो वास्कुलर अक्लूजन जो है उसमें क्या हो जाता है, माइक्रो वास्कुलर अक्लूजन में इस तरह शॉर्ट में आपको दे देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो थिक हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका क्या हो जाता है, आपका इस्कीमिया हो जाता है। अब जब इस्कीमिया हो जाता है तो हमने फिर उससे की से जो है हमने कहा था कि उससे कार्टन रूल्स पार्ट्स आपके बन सकते हैं, आपका रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, और आपका न्यू वास्कुलराइजेशन हो सकता है। ओके न्यू से फॉर्मेशन हो सकती है, तो न्यू वास्कुलर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ये कर सकता है। उनमें से एक था न्यू वास्कुलर राइजेशन, ओके, और न्यू वेसल्स फॉर्मेशन। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट की जो पैथोजेनेसिस है उसका मैंने आपको हवाला दे दिया। अब न्यू वास्कुलराइजेशन जो है वो कहाँ कहाँ पर होगी, एक तो आपका जो डिस्क है वहाँ पर न्यू वास्कुलराइजेशन हो सकती है, एंड सेकंड जो है आपका एल्सवेयर हो सकता है। अब आप अगर आई के डायग्राम को देख लें, सो ये इस तरह की होती है, रफ डायग्राम है ये, ठीक है। लेट्स से ये आपका रेटिना हो गया, इसके ऊपर जो है आपका लेट्स से ये जो है आपका कोरॉइड हो गया, और फिर आपका स्क्लेरा हो गया। अब होता क्या है न्यू वास्कुलराइजेशन में, जो आपका डिस्क है या तो यहाँ पर जो है न्यू वेसल्स फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे इस तरह, या जो है एल्सवेयर कहीं पे भी जो है वो न्यू वेसल्स जो है फॉर्मेशन की उसकी हो जाएगी, ठीक है। और हमने बता दिया आपको कि किस तरह होता है, बिकॉज ऑफ इस्कीमिया। इस्कीमिया की वजह से न्यू जो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स है वो रिलीज हो जाएंगे, एंड दे विल कॉज न्यू वास्कुलराइजेशन। ओके अभी न्यू वास्कुलराइजेशन ये तो यहाँ पर बन गए दो जगहों पर, या तो डिस्क पे बन गए या क्या एल्सवेयर कहीं पे भी इन द रेटिना। अब हमें पता है कि जो रेटिना है ये यहाँ ऑप्टिक डिस्क से यहाँ से शुरू होके ओरा सेराटा तक आता है, ठीक है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। और सेराटा से आगे क्या होता है, आपका सीएलरी बॉडी होता है, फिर आपका आयरस होता है, इस तरह सेकंड साइड पे भी और सीएलरी बॉडी एंड आयरस। तो जब ये न्यू वास्कुलराइजेशन एक्सटेंड करके यहाँ आयरस में आ जाते हैं तो इसको हम फिर कहते हैं न्यू वास्कुलराइजेशन ऑफ द आयरस। सिमिलरली ये विशेष यहाँ से भी एक्सटेंड करके यहाँ तक आ सकते हैं, सो बोथ साइड्स पे भी जो है आपका न्यू वास्कुलराइजेशन ऑफ द आयरस हो सकता है, और ये आपके विजन को इफेक्ट कर सकता है। अब जब ये न्यू वास्कुलराइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद आपका क्या हो सकता है, आपका हेमरेज हो सकता है। तो हेमरेज कहाँ कहाँ पर हो सकता है, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, ओके हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा इरेज हो गया, ठीक है। अच्छा प्री रेटिनल हेमरेज ये रेट्रो हाईलाइट स्पेस में होगा। अब ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका रेटिना है, इसके पीछे जो है ये आपका कोरॉइड है, और उसके पीछे जो है आपका क्या है, ये आपका स्क्लेरा है, ठीक है। अब ये कोरॉइड और रेटिना के दरमियान जो स्पेस, इसको हम रेट्रो हाइलाइट स्पेस कहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस न्यू वास्कुलराइजेशन जो हो रही थी उधर, तो अगर यहाँ पर हेमरेज हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, प्री रेटिनल हेमरेज कहते हैं। सेकंड क्या होगा, आपका आपकी जो न्यू वेसल्स थी, लेट से ये जो है आपका न्यू वेसल्स है, एंड बिकॉज ऑफ दिस अगर हेमरेज आपका जो है वेट्रस की तरफ, यहाँ पर वेट्रस ही है ना, वेट्रस ही है इनसाइड ऑफ द आई, तो उसमें जो है अगर आपके हेमरेज हो जाए तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम फिर वेट्रस हेमरेज कहते हैं। अच्छा अब ये वेट्रस हेमरेज, इसको आपने याद रखना है कि दिस इज एसोसिएटेड विद सडन विजन लॉस जो है ना आपकी, ये आपकी वेट्रस हेमरेज से हो सकता है। रेटिनल डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उसमें अगर सडन विजन लॉस आता है आपके पास, तो मींस मोस्ट चांसेस है कि आपका वेट्रस हेमरेज में है, क्योंकि जब कभी भी वेट्रस हेमरेज हो जाए ना, तो आपका सडन विजन लॉस ही होगा।
अच्छा, बिकॉज जब यहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो जो आपका ये क्या है, आपका जो रेटिना है तो ये डिटैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। सेकंड जो है आपका यहाँ पर न्यू फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन हो रही होती है, तो और ये जो है आपका फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन है और ये यहाँ पर इसको फुल करेगी, किसको, रेटिना को, तो उसकी वजह से भी रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड प्रोलिफरेटिव स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।